मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक अब फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है, पत्र व्यवहार करके चाहे स्टैम्प का प्रकरण हो, चाहे शमशान दफन भूमि का प्रकरण हो, सफाई कामगार का प्रकरण हो, ये सब लेके आयुक्त को पत्र व्यवहार करके और पुरावे के साथ के स्टैम्प के लेके कितने फिल्टर बने पुरावे के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्लैंड दिख रहा है, ये जितना ब्लैंड दिख रहा है ये फिल्टर बने। ऐसे पुरावे महापालिका के आयुक्त के सामने दिए गए, महापौर साहब के सामने दिए गए। महापौर साहब ने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं चुकी है, उसके बावजूद भी प्रशासन के जरिए, आयुक्त के जरिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अर्थ संकल्प को लेके नगर सेवकों में एक भय निर्माण है, नागरिकों के काम नहीं हो रहे और कई बड़े काम हो रहे, जबकि कोविड के माध्यम से सिर्फ हॉस्पिटलाइज और जरूरी काम ही होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कई प्राइवेट काम करोड़ों रुपए बिल्डर के किए जा रहे, लेकिन नगर सेवकों की सूचना के काम अर्थ संकल्प के माध्यम से एक भी किया नहीं जा रहा है। लसीकरण को लेके एक तरफ का एक व्यवहार किया जा रहा है, जो नगर सेवक है एक तरफ महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रवादी के नगर सेवकों को लसीकरण की एक भी कैंप नहीं दिया जा रहा है। मनमर्जी से जहां कैंप दिए जा रहे वहां पे मांगनी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहले से, यहां तक के कई हमारे लेटर मई जून के लेटर है राष्ट्रवादी के नगर सेवकों के, लेकिन जब प्रशासन को जा गई कि राष्ट्रवादी की नगर सेवकों की मांगनी पहली है, तब आरोग्य विभाग के तरफ से डमी पुराने डेट के लेटर तुरंत मंगाए गए ताकि ये भांडाफोड़ ना हो जाए। जो आरोग्य केंद्र, आरोग्य विभाग डमी आई कार्ड बना सकता है तो वो डमी लेटर भी दे सकता है, ऐसा आरोप है। पत्र दिया था हमने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें बुलाया नहीं, लेकिन अभी उन्होंने बुलाया है। अगर नगर सेवकों की समस्या बजट के माध्यम को लेकर वो दूर नहीं की गई तो हम आयुक्त के दालने के बाहर नगर सेवक बैठेंगे और हमारे माननीय जीतन दरबार जी के मार्गदर्शन में, आनंद प्रांत जी के मार्गदर्शन में संगठन बाहर आंदोलन करेगा। विश्व परिदर्शन के ट्री कमेटी के भी जो सदस्य है उनका भी यही फरमान है, आयुक्त अपनी मनमानी से कारोबार कर रहे, 6-6 महीने से ट्री कमेटी की मीटिंग नहीं ली जा रही है और जो निर्णय लिया जा रहा है वो सिर्फ आयुक्त की मनमानी के हिसाब से एक तरफा लिया जा रहा है। सदस्यों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, उनकी सूचना नहीं ली जा रही, बिना चर्चा किए निर्णय लिया जा रहा है। राष्ट्रवादी के हमारे सारे नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के नेतृत्व में यहाँ थाने महानगर पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पे आंदोलन पे बैठे थे। अनेक लोगों के हितों के प्रश्न शानू पठान पिछले कई महीनों से उठा रहे, चाहे वो स्टेम का मसला हो, चाहे वो स्मशान भूमि का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बजट में नगर सेवक निधि का मसला हो, इस पर कोई भी उत्तर आयुक्त दे नहीं रहे। राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने जब लसीकरण के कैंप की मांग की तो भी उन्हें वो ये मांग ठुकराई गई और आयुक्त अकार्यक्षम है और शिवसेना के एजेंट करके काम कर रहे हैं। अभी जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो उन्होंने नगर सेवकों को लिए बातचीत के लिए बुलाया। अगर राष्ट्रवादी के नगर सेवकों की समस्या हल नहीं हुई तो नगर सेवक आयुक्त दालन के बाहर आंदोलन करेंगे और संगठन महापालिका के गेट के बाहर आंदोलन करेगा, ये हमारी चेतावनी आयुक्त को है। ना फिल्टर का पानी फिल्टरेशन प्लांट में से थाने कर पी रहे हैं, ये पूरा भ्रष्टाचार शानू पठान ने उजागर किया। खुद उन्होंने स्टेम के प्लांट पे विजिट की थी और 6-7-8-9 महीने से फिल्टर बंद है, ये उन्होंने प्रशासन को दिखाया, लेकिन प्रशासन को कुछ पड़ी नहीं है। कोविड के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार ये प्रशासन कर रहा है।